कोई नहीं, एक ही है। तो वो शरीर एक ही, आत्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं। श्वास बंद हो गया, सब खत्म। तो वो शक्ति, शरीर की शक्ति, वो सर्वत्र है। आत्मा कहां है दिखाओ, किसने देखा? शरीर छोड़ते किसने, कोई शरीर छोड़ के गया देखा? कहां गया, कहां से आया शरीर में घुसा, किसने देखा? हाँ, तब लोगों को पता नहीं है कि शरीर को ही सब कुछ है। आत्मा का ज्ञान अभी सुन रहे हो, नहीं तो दुनिया में कहीं भी आत्मा का ज्ञान, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, गीता ले लो, कुरान ले लो, बाइबल ले लो, सब जगह पर शरीर ही सब कुछ, शरीर की मूर्ति है, सगुण भक्ति ही है, निराकार की पता ही नहीं है। तो वो स्वयं आके कहता है कि शरीर को चलाने वाला कौन? आप आत्मा हो, यह आपका शरीर आत्मा समझो। तो ये ज्ञान यहां आने के बाद है। तो दो शक्ति हुई, प्रकृति और पुरुष, ये दो शक्तियां है। तो इसके कारण सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। आत्मा सब जगह पर नहीं है, प्रकृति सब जगह पर है, अणु सर्वत्र है, अणु परमाणु ये जो है सर्वत्र है। तो वो ही ज्ञान है सबको। तो आत्मा कहाँ है, वो किसने देखा? किसी को दिखा नहीं देता है, प्रकाश है, सूक्ष्म है। तब कहा एक ही शक्ति तो सर्व सब जगह पर है, गलत नहीं उन्होंने जो बोला, गलत नहीं है, ज्ञान नहीं था। जैसे चीनी खराब नहीं है, चीनी बहुत अच्छी है। चीनी को सफेद करने के लिए जो गंधक यूज करते हैं, फास्फोरस करके जो केमिकल यूज करते हैं सफेद करने के लिए, वो खराब है। अगर ऐसे आप गुड़ गन्ना आप खा लो, खराब नहीं है। तो काला दिखाई देता, सफेद दिखाई देना चाहिए, वो सफेद कैसे किया? तो उसके अंदर गंधक तो सफाई करने के लिए जो डाला वो खराब है, वो पॉइजन करता है। चीनी खराब नहीं, गन्ना गुड़ गन्ने का रस पिलो, गुड़ खा लो, खराब नहीं है। तो हर चीज जानना चाहिए, क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आया?